अगली बार होटल बनाने के पहले पार्किंग बनाना, ताकि किसी और पोपटलाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। जी। हंस, क्या कर रहे हो? कोमल, ऐसा लगता है कि शर्ट के मटेरियल में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि अंदर चीटियां काट रही, बहुत खुजली हो रही है। हंस चलो। भगवान। हाँ, 3D LCD भी आता है ना? नहीं, अभी दुकान में नहीं है, आप बोलो तो मैं मंगा कर रख लो। हाँ, ओके, आज ठीक है, ठीक है, आप बोलिए बोलिए। हाँ, ओके, हाँ बोल दिया। क्या कर रहे हैं टप्पू के पापा? गोडाउन में बैठ के भजन गा रहा हूँ। ओहो, कौन सा भजन? मुझे भी तो सुनाना। जरूर। पत्नी जनता तेनर कहिए जे फोन करी पाकावे रे, कट कट करे दिन रात उसे कभी चैन नहीं आए रे। पत्नी जन तो तेनर कहिए। टप्पू के पापा, मैं कट कट करती हूँ। हाँ ठीक है, तो जाओ आपसे कट्टी। ओके। अरे सुनिए ना। अरे अभी तूने बोला आपसे कट्टी। हाँ हाँ, लेकिन ये एक बात बोल देती हूँ, बाद में कट्टी। बोल भाई बोल, क्या काम है बोल। काम कुछ नहीं। अरे तो फोन क्यों किया दया? टप्पू के पापा, काम के लिए सिर्फ स्वार्थी लोग फोन करते हैं, प्यार करने वाले तो बस ऐसे ही फोन किया करते हैं। ओहो इशक जदी, क्या आज बात क्या है? क्या बताऊँ, हमारे पोपट भाई है ना, वो लड़की को मिलने के लिए होटल में गए थे, पर वो होटल के बाहर लड़की को कार का पैकिंग नहीं मिला, तो हमारे पोपट भाई ने बेचारे ने उनकी मदद की कि आप जरा आगे जाकर कार का पैकिंग कर दीजिए, लेकिन वहाँ से वो लड़की की गाड़ी खींच गई। खींच गई मतलब? वो गाड़ी गलत जगह पर खड़ी रखते हैं, तो वो ट्रक जैसी गाड़ी आती है और उस गाड़ी को खींच के लेके जाती है ना। अच्छा अच्छा, टर्निंग वैन। हाँ, और पता है वो लड़की बेचारे पोपट भाई पर भड़क गई। उसने कहा कि मैं आज आपको पहली बार मिली हूँ और मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो आपसे शादी करूंगी तो पता नहीं मेरा कितना नुकसान होगा। अरे अरे अरे, बेचारा पोपट लाल। मैं तो कहता हूँ अभी पोपट लाल को शादी करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। कुदरत ये जो संदेश दे रहा है, उसका चुपचाप शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए। कुदरत आपको भी कितना संदेश देती है, पर आप उसका स्वीकार कहाँ करते हो? कुदरत मुझे कौन सा संदेश देती है? क्यों, कुदरत ने बापूजी के जरिए आपको कितनी बार जलेबी फाफड़ा नहीं खाने का संदेश दिया है, फिर भी आपने उस संदेश का स्वीकार किया? नहीं, बस खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। अरे तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, इसमें खाने की बात कहाँ से आई? हाथी भाई से। आज हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके बाहर हरियाली होटल में खाना खिलाने लेके गया। टप्पू के पापा, कितने दिन हो गए आप मुझे, बापूजी को और टप्पू को बाहर खाना खिलाने लेके ही नहीं गए। अरे भाई तू बोलते भी लेके जाऊं, मैंने कभी तुझे मना किया है? मैं कमाता ही हूँ तुम लोगों के लिए भाई, ऐसी क्या बात कर रही है दया। थैंक यू, लव यू भाई। लगता है कट्टी चालू हो गई। अभी मम्मी दाल ढोकली सुपर थी ना? अरे सारे डिशेस बढ़िया थे, ओवर ईटिंग हो गई। अच्छा है सोसाइटी नजदीक है, एक काम करते हम लोग चल के जाते हैं, खाना भी हजम हो जाएगा। व्हाट से? हाँ तो अच्छा है ना, खाना हजम हो जाएगा तो और भूख लगेगी, घर पे आके और खा सकते हैं। लकी बॉय। मम्मी टप्पू से ना होती तो और मजा आता ना। अरे डोंट वरी बेबी, हम उनको लेकर फिर से आ जाएंगे। पक्का? ऑफ कोर्स। हंस, शर्ट की वजह से ज्यादा खुजली हो रही है क्या? खुजली बढ़ते जा रही है, पता नहीं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, रिक्शा पकड़कर फटाफट घर चले जाते हैं। हाँ जल्दी, तुम लोग रिक्शा रुकाओ जल्दी। हाँ हाँ, बहुत खुजली हो रही है मुझे। रिक्शा। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। पापा आर यू ओके?
ना ओके ओके जल्दी रिक्शा रुका बेटा रिक्शा रिक्शा चलो उस तरफ देखते हैं रिक्शा हवा नहीं है फिर भी ये पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं पापा, 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 पापा
मुझे प्लीज। अरे बाप रे, हंस तुम ठीक तो हो ना बाबा? हंस बोलो ना, हंस। कोमल मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। पेड़ के नीचे ऐसे फंसा हूँ, लगता है जैसे जेल में हूँ। मुझे बाहर निकालो। पापा, डोंट वरी, इस जेल से मैं आपको किसी भी तरह निकालूंगा। गोली मेरा बेटा, जल्दी मुझे निकालो। प्लीज, इनको बाहर निकलने में मदद कीजिए ना। हाँ, मुझे निकालो। संभाल के भाई साहब, संभाल के। अरे भाई साहब, देख क्या रहे हो? तो बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। मुझे निकालो, मैं आऊँ। ओ एक बार ट्राई करो भाई लोग, और उठाओ। चलो चलो और एक बार चलो। पेड़ बहुत भारी है, नहीं नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। नहीं होगा तो क्या मैं ऐसे ही फंसा रहूंगा? मुश्किल है। तो पापा को बाहर कैसे निकालेंगे? कुछ करो कोमल, गोली कुछ करो। और फायर ब्रिगेड, कोई फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए ना प्लीज। सही बात है, फायर ब्रिगेड को फोन करो। मैम एक मिनट, मैं करता हूँ फायर ब्रिगेड को फोन, आप जस्ट चिल। थैंक यू। एक सेकंड रुकिए। मम्मी, सोसाइटी वालों को भी फोन कर देते हैं। हाँ, जल्दी उनको बुलाओ। तो तुम लोग पेड़ उठाने का ट्राई करते हैं। हेलो हेलो, दया भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। बोलिए बोलिए कोमल भाभी। दया भाभी, यार बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? हम लोग होटल से बाहर निकल रहे थे तब अचानक एक बड़ा सा पेड़ हंस पर आकर गिरा और हंस उसके नीचे फंस गए हैं। ना बारिश हो रही थी ना हवा चल रही थी, पता नहीं पेड़ कैसे आ गिरा। तय भाभी, आप सोसाइटी में सबको बताइए और सबको लेकर जल्दी से यहाँ आइए प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी सबको बताती हूँ, हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, अब चिंता मत करना। थैंक यू। अरे ये बहुत बुरी तरह फंस गए, मुश्किल है निकालना। मत बोलो हंस। क्या हुआ कोमल? मैंने तय भाभी को इन्फॉर्म किया है, वो सोसाइटी वालों को लेकर आती होंगे। जल्दी बुला। मैम मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है, वो लोग अभी आते ही होंगे। अब जस्ट चिल। भला करेगा आपका पापा। पापा डोंट वरी। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे बाहर निकालेंगे। बस कट्टी समाप्त। बोलिए बट्टी रानी, फोन क्यों किया बताइए। पापा, वो मैंने आपको कहा था ना, हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके होटल हरियाली में खाना खाने गए हैं। अरे भाई, मैंने भी तुझे बताया था ना कि तू जब बोलेगी तब मैं तुझे होटल में खाना खाने ले जाऊंगा। एक काम कर, चल टप्पू और बापूजी को बोल दे आज रात को हम लोग जाते हैं, ठीक है? अरे नहीं टप्पू के पापा, हम खाना खाने नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो होटल के बाहर एक पेड़ है जो तुझे पसंद नहीं। अरे टप्पू के पापा, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनी तो रहा हूँ भाई। नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं, आप बीच बीच में बोल के मेरी बात को अटका रहे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। हाँ तो मैं ये कह रही थी टप्पू के पापा कि हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके होटल हरियाली में खाना खाने गए थे ना, तो वहाँ से अभी कोमल भाभी का फोन आया था कि वो होटल के सामने ही एक पेड़ है, वो पेड़ हाथी भाई के ऊपर गिर गया है और बेचारे हाथी भाई वो पेड़ के नीचे फंस गए है। क्या? Oh,
बोल जल्दी से हरियाली होटल पहुंचे, हम भी पहुंचते। हाँ, हाँ, पापा। आ, सुना, सुना, मैंने। तुम लोग पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ, ठीक है, जल्दी। हाँ, हाँ, ठीक है। सेठ जी, हाँ? नट्टू काका ने ये सारे वाउचर फाइल कर दिए हैं और आपको साइन करने को बोला है। ठीक है, अभी रख दे, बाद में, अभी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तू और नट्टू काका दुकान संभाल लेना, ठीक है? माफ करना सेठ जी। क्यों, क्या किया तूने? बड़ा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। नहीं, बड़ा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। नहीं, छोटा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। कहावत क्या है सेठ जी? अरे भाई, मूक ने तेरी कहावत को तड़के। ठीक है सेठ जी, कहावत को छोड़िए, वाका शरीर सीधी बात बोल रहा हूँ। काम पूजा की तरह होता है, जिस तरह पूजा आधी छोड़कर नहीं उठते, ठीक उसी तरह काम भी आधा छोड़कर नहीं उठना चाहिए, वरना एक दिन पूरा धंधा उठ सकता है। अरे भाई, हरियाली होटल के बाहर जो पेड़ गिर गया उसको नहीं उठाया तो हाथी भाई तपलिक में आ सकते हैं। क्या, होटल, पेड़, हाथी भाई, हरियाली? अरे हरियाली होटल के बाहर एक पेड़ हाथी भाई के ऊपर गिर गया और हाथी भाई पेड़ के नीचे फंस गए। अरे बाप रे, लेकिन हाथी भाई पेड़ पे चढ़े ही क्यों? किसने कहा हाथी भाई पेड़ पे चढ़े थे? किसी ने नहीं, तो वो तो मैं अनुमान लगा रहा था। अरे भाई, लेकिन हाथी भाई पेड़ पे चढ़े होते तो अभी पेड़ हाथी भाई के नीचे फंसा होता ना। हाँ, वो भी है, तो हाथी भाई पेड़ के नीचे कैसे फंसे? अरे भाई, वहाँ जाऊंगा तो पता चलेगा ना, इसलिए मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने दे। अरे मैंने कहा आपको रोक के रखा है। अरे भाई, तेरे सवाल खत्म होंगे तो मैं निकलूँ ना। आप मालिक है सेठ जी, मेरे सवालों पे ध्यान दिए बिना आप निकल सकते हैं, निकल जाइए। क्योंकि क्या है सेठ जी, बचपन से ही सवाल पूछने की आदत मुझ में नट्टू काका ने डाली है। वो कहते हैं, पूछता नर सदा सुखी। आप निकलिए, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ सवाल पूछते पूछते। अरे क्या पीछे पीछे आता हूँ, नट्टू काका कलेक्शन में गए हैं और आप पीछे पीछे आएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा? मगन। अरे भाई, मगन इतना होशियार होता तो मैंने तुझे और नट्टू काका को कब की छुट्टी दे दी होती। ठीक है सेठ जी। अरे ना बोला फिर भी पीछे पीछे आ रहे। नहीं सेठ जी, आप निकलिए, मैं तो दुकान में जा रहा हूँ, रास्ता एक ही है ना। जी भाई। बहू जल्दी चल, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। हाँ बापू जी, मैं असली भाभी को फानी कर रही हूँ। सीढ़ियाँ संभाल के उतरना। हाँ दया भाभी बोलिए। असली भाभी आप तैयार हैं? दया भाभी मैं तो तैयार हूँ, आप जल्दी नीचे उतरिए। हाँ, मैं सीढ़ियों पर ही हूँ। आइए, बस एक मिनट है, पहुँची एक मिनट। दया भाभी आ ही रही थी। पेड़ गिरते रहेंगे तो पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। पेड़ की क्या चिंता कर रहे हो आप, पेड़ दूसरे उगेंगे, हाथी भाई दूसरे उगेंगे। कहते तेरा मतलब वो गया तो? नहीं, उसके भाई बिल्ली मास्टर, वो पता चला मुझे हाथी भाई पेड़ के नीचे आ गया, अभी क्या कर सकते हैं चाचा जी। और रोशन, तू फिक्र मत कर, और मैं एक हाथ से पेड़ को उठा के फेंक दूंगा। रोशन खेला जाई बात मत कर, उनके ऊपर पेड़ गिरा है, पेड़ा नहीं गिरा है। अभी फोन रख और हरियाली होटल पहुंच। हां हां रोशन, मैं आ रहा हूं। ऊपर आ जी, मुझे जरा अर्जेंट काम पड़ गया है, और मैं ग्राहक से बल्लू को भेजता हूँ, वो 10 मिनट में तुम्हारी गाड़ी को टच कर देगा। और सॉरी प्रा, इस पेड़ की तो ऐसी की तैसी। बोले सौ निहाल, सौ श्री अकाल। अये तुम सारा काम छोड़ के जल्दी से हरियाली होटल पहुँचो, हाथी भाई के ऊपर पेड़ गिर गया है। ओके ओके ठीक है, अये डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम चले। चलो 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 जल्दी। अरे भिड़े, क्या हुआ भाई, सब लोग इतना टेंशन में कहाँ जा रहे हो? अरे पोपटलाल भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको अभी तक न्यूज़ नहीं मिली? कौन सी न्यूज़ अंदी भाभी? हाँ ए डिब्बे, हाथी पे पेड़ गिर गया, चल जल्दी चल। चलो चला। अरे बाप रे, कौन से हाथी पर, किस जंगल में? अरे जंगल वाला हाथी नहीं पोपटलाल, अपने डॉक्टर हंसराज आती। अरे वो हरियाली होटल में खाना खाने गए थे तो होटल के बाहर उनके ऊपर पेड़ गिर गया।
क्या क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये हरियाली होटल ही पन होती है। पहले मेरी शादी टूट गई, अब पेड़ गिर गया। इधर भी शादी की बात। आप लोग रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तुम आज में पीछे पीछे चलो, हम लोग चलते हैं। तुम देखो शादी की बात। चलिए आ गए आप लोग। क्या बताऊं दोस्तों, आज जो हुआ है वो तो भूत और भविष्य थी। ऐसा भी हो सकता है? पर सचमुच ऐसा ही कुछ हुआ है। हाथी भाई ने अपनी पीठ खुजाई एक पेड़ से और पेड़ गिर गया, और ऊपर से ये कि उसी पेड़ के नीचे हाथी भाई दब गए हैं, जिस तरह से आम आदमी महंगाई और भ्रष्टाचार के नीचे दबा हुआ है। भाई हाथी भाई के कारनामों में एक कारनामा और जुड़ गया, पीठ खुजाने से पेड़ गिरा दिया। और अब गोकुलधाम सोसाइटी जा रही है उन्हें बचाने के लिए। और गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में क्या कहूँ, चाहे खुशी हो या गम, गोकुलधाम में है दम। लेकिन अब देखना यह है कि क्या होगा। पेड़ों पे जितने पत्ते हैं उससे कहीं ज्यादा टेंशन है हाथी भाई पेड़ के नीचे। अब कैसे निकलेंगे वो पेड़ के नीचे से? लेकिन जब भी निकलेंगे ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।